कानपुर नगर निगम में पार्षदों ने जन समस्याओं को लेकर जोरदार हंगामा किया। पार्षदों ने सदन में आरोप लगाया कि नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जल भराव की समस्या जस की तस है। वहीं सदन में कई बजट प्रस्ताव पारित किए गए, इनमें अब संपत्ति के लेन देन पर 1% का शुल्क लगेगा। कई पार्षदों ने LED लाइट लगाने में गड़बड़ी के आरोप लगाए, इस पर मेयर ने जाँच कर कार्रवाई की बात कही। वहीं शहर के पालिका स्टेडियम को लीज पर दिए जाने का पार्षदों ने विरोध किया, इस पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। मेयर प्रमिला पांडे ने कहा कि सदन में बजट पास किया गया है। हमारे पार्षद सब परेशान थे क्योंकि पानी बरसा तो उसमें जल भराव हो गया, सबके क्षेत्र में पानी बरसा। कुछ यहाँ के अधिकारी जो टाइम से नाला और नाली की सफाई नहीं करा पाए, उन्होंने सदन में बता दिया। अब वो लोग कल से हम लोग साथ हम लोग सब निकलेंगे उसकी व्यवस्था।